हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हमारा ग्रुप एक और रोमांच से भरे सफर पे जा रहा है, एक छोटे से गांव भुवनेश्वर, जहां पाताल भुवनेश्वर नामक एक गुफा है जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आती है। हमारा सफर शुरू होता है देहरादून से बाई रोड वाया हल्द्वानी। भुवनेश्वर गांव देहरादून से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बाई एयर पताल भुवनेश्वर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंतनगर का, जहां से पताल भुवनेश्वर की दूरी लगभग 245 किलोमीटर की है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम, जो कि लगभग 190 किलोमीटर दूर है पताल भुवनेश्वर से। पताल भुवनेश्वर 12 महीने खुला रहता है। पताल भुवनेश्वर एक ऐतिहासिक और रहस्यमय गुफा है, इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हम जा रहे हैं पिथौरागढ़, और यहाँ पे हमने एक होम स्टे लिया है, और कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे, तो कल फिर आपसे मिलते हैं। हाय गाइस, अभी हम प्रस्थान करेंगे पताल भुवनेश्वर गंगोली हाट। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर, और हमारे साथ ही सब बैठ गए, और अब हमारा ग्रुप जा रहा है पताल भुवनेश्वर, जो कि 80 से 90 किलोमीटर दूर है यहाँ से। सब बैठ के दरवाजा कौन खोले। दोस्तों, पताल भुवनेश्वर के लिए बस सर्विस नहीं है, लास्ट बस स्टॉप गंगोली हट है, और यहाँ से आपको टैक्सी करके जाना होगा। यहाँ से पताल भुवनेश्वर की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। सो फ्रेंड्स, हम भुवनेश्वर गांव पहुँच गए हैं। यहाँ से लगभग 700-800 मीटर की दूरी पे पताल भुवनेश्वर है। कल हमने 11 घंटे की जर्नी करी थी, और आज लगभग 4 घंटे की जर्नी के बाद अब हम यहाँ आए हैं। हमारा ग्रुप पूरा बहुत एक्साइटेड है, बहुत सुना था यहाँ के बारे में। जैसे कि हमें बताया गया है कि पताल भुवनेश्वर एक गुफा ही नहीं, यह एक आस्था का भी केंद्र है, जो कि एक मंदिर है। दोस्तों, यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी है, जिसको कि वृद्ध भुवनेश्वर नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर है, और राइट साइड में पताल भुवनेश्वर गुफा है। अगर आप भी यहाँ आते हैं तो वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर भी जरूर आए, और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका नाम है दीवान सिंह भंडारी। यहाँ दर्शन पहले होते हैं, और ये दक्षिण मुखी हनुमान है, ये ध्यान मुद्रा में खड़े हैं, और इनके ये पैर के नीचे जो है शनि भगवान है, शनि का वास जो है इनके चरणों में ही है। ये सारे मंदिर एक रात के बने हुए हैं, कत्यूरी राजाओं ने बनाया है, उसके बाद चंद्र राजा आए। ये जो है क्षेत्रपाल है, एक ही है, एक उस कोने में है, ठीक है, और ये बिरखम है क्षेत्रपाल के बगल में, और ये स्तंभ है, इसमें ये विष्णु भगवान है, सूर्य भगवान है, और माता पार्वती है, शिव जी है, नंदी है, और नंदी भृंगी भी है, और भगवान शिव के साधक है। ये विष्णु भगवान है, और ये सूर्य भगवान है,
और ये नीचे काल भैरव है, ऊपर बटुकनाथ है और इसमें शिवलिंग है छोटा सा। और ये है मुख्य मंदिर, अभी इसकी सफाई हुई, जीर्णोद्धार हुआ इसका। ये जो है स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं भगवान यहाँ वृद्ध के रूप में और वहाँ बाल रूप में गुफा में। यहाँ के दर्शन करने के बाद आप वहाँ जाते हैं तो आपकी चार धाम की यात्रा पूरी होती है। ये जब यहाँ प्रकट हुए थे तब पूरा जंगल था, ये यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर से एक गाय आती थी यहाँ पर, रोज अपना दूध अभिषेक करके जाती थी। वो गाय थी ब्राह्मणों की और जिनकी गाय थी उनके घर को दूध नहीं देती थी, तो उनको शंका हुई कि इस घर को ये गाय दूध क्यों नहीं दे रही, दूध तो बन रहा है, इसका जाकार है। तो एक बार उन्होंने उसका पीछा किया, उनको लगा कहीं रास्ते में कोई निकाल तो नहीं दे रहा है। उन्होंने पीछा किया तो देखा यहाँ गाय यहाँ आके झाड़ियों के अंदर जाके इसमें अपना दूध अभिषेक कर रही है। तब उसमें जो बुढ़ी रहती है उसको गुस्सा आ जाता है, इसमें क्यों ये पत्थर में क्यों दूध दे रही करके। वो गुस्से से इसमें दराती से मार देती है, ये देखिए दराती का घाव है। जैसे ही वो इसमें दराती से मारती है इसमें से खून के फुहारे उठते हैं, चार फुहारे उठते थे। तब कत्यूरी राजा जो है यहाँ पर एक रात का मंदिर बनाते, तब के राजा भगवान के बड़े भक्त हुआ करते थे, तो वो भगवान के गणों को बुला लेते थे, इनके गणों ने किया हुआ था, वो रात को ही काम करते दिन को नहीं, किसी के नज़रों में नहीं आते। और सूर्यास्त के बाद वो काम स्टार्ट करते, सूर्योदय के पहले वो सारे मंदिरों को बना के गायब हो जाते। ठीक है, तो यहाँ की ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता। और ये स्कंद पुराण मानस खंड में वेदव्यास जी लिखते कि भुवनेश्वर एक ऐसा पवित्र स्थान है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं इतना पवित्र स्थान नहीं है। यहाँ जब कोई भी दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनके सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर वेदव्यास जी बताते हैं कि जितने भी पूरे भारत में शिवलिंग हैं वो सारे शिवलिंग यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ जो पूजा पाठ करता है उसके कहने ही क्या है, उनको कई गुना फल मिलता है। और उसमें ये भी लिखा है कि केदारनाथ हो गया और बद्रीनाथ हो गया, इनसे भी कोटि गुणित फल यहाँ प्राप्त होता है। वृद्ध भुवनेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर। और ये जो ट्रैक है सीधा पाताल भुवनेश्वर जाता है, जो कि लगभग 100-150 मीटर की दूरी पे है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में जाने से पहले आपको शूज और स्लीपर उतार के जाना पड़ेगा, और अगर आपके पास कैमरा या फ़ोन है तो काउंटर पर आपको इनको जमा कराना पड़ेगा, जिसके लिए 20 रुपये पर फ़ोन चार्ज है और गाइड के लिए 100 रुपये का चार्ज देना होगा, जो कि एक ग्रुप के लिए होता है। पाताल भुवनेश्वर की जो गुफा है वो लगभग 90 फीट गहरी है और 160 मीटर लंबी है। स्कंदर पुराण में वर्णन है कि स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति करने यहाँ आते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण भी इस गुफा में आए थे और महादेव शिव सहित 33 कोटि देवी देवताओं के साक्षात दर्शन किए थे। द्वापर युग में पांडव यहाँ आए थे और यहीं से बद्रीनाथ के लिए गए थे। कलयुग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य इस गुफा में आए और उन्होंने यहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित किया। पाताल भुवनेश्वर गुफा बहुत ही पतली और संकरी है और पत्थर की सीढ़ियाँ होने के कारण इसमें फिसलने का खतरा बना रहता है।
गुफा के दोनों तरफ चेन लगी हुई है, तो उसको पकड़ के आपको उतरना और चढ़ना पड़ता है। 84 सीढ़ियां उतरने के बाद आपको सच में ऐसा अनुभव होगा कि आप पाताल लोक में आ गए हैं। गुफा के अंदर आपको चट्टानों की कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। जो गुफा है वो 90 फीट गहरी है और लगभग 160 मीटर लंबी है। गुफा में आपको 100 पैर वाला ऐरावत हाथी दिखेगा, भगवान शिव की जटाएं, हंस, ब्रह्मा विष्णु महेश की कलाकृतियां आगे आपको दिखेंगे। आगे आपको चार द्वार दिखेंगे, गण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। ऐसा माना जाता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात पाप द्वार बंद हो गया था, कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद गण द्वार बंद हो गया और अभी धर्म द्वार और मोक्ष द्वार खुला है। धर्म द्वार भी कलयुग की समाप्ति के बाद बंद हो जाएगा और सिर्फ मोक्ष द्वार खुला रहेगा और वो भी धीरे धीरे पतला होता जाएगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप भी ऐसे ही एडवेंचरस टूर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमसे छूट गई होगी तो वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं मुनस्यारी, तो फिर मिलेंगे आपको हमारे अगले वीडियो में। जय शिव शंकर।